अस्सलाम वालेकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 29 मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट, प्रॉब्लम 29, फिग नंबर 29.57 दिखाई गई है। चार स्ट्रेट वायर्स हैं जो परपेंडिकुलर हैं पेज के। वो कहता है उनका क्रॉस सेक्शनल स्केयर ऑफ द एज पे 20 सेंटीमीटर है, यानी 20 20 20 20 हर एक आपके पास स्केयर है तो बराबर होंगे। वो कहता है करंट आउट ऑफ द पेज है, तो वायर वन और वायर फोर जो है वो कहता है कि जनाब आउट ऑफ द पेज है, जो वायर टू और वायर थ्री है इनका वो कहता है इन टू द पेज है और हर एक में 20 एम्पेयर का करंट चल रहा है। ये मैंने बता दिया, जो वन और टू थे जो आउट ऑफ द पेज थे डॉट लगा दिए, जो इन टू द पेज थे उनके साथ क्रॉस लगा दिया टू और थ्री के साथ। वो कहता है यूनिट वेक्टर नोटेशन में नेट मैग्नेटिक फील्ड बताओ सेंटर पे। अब डायगनल लेंथ अगर आप देखेंगे तो स्क्वायर रूट 2a बनेगा, डिस्टेंस जो सेंटर का कॉर्नर से होगा डायगनल के सेंटर पे, यानी स्क्वायर के सेंटर से कॉर्नर तक का, वो आप कहेंगे कि डायगनल को 2 से डिवाइड कर देंगे तो a बाय स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब अगर आप वेक्टर बनाए तो राइट हैंड रूल का सहारा लें तो जो अपर लेफ्ट और लोअर लेफ्ट कॉर्नर है उसकी जो फील्ड होगी वो अपर राइट की जानिब होगी, जैसे दिखाई गई यहाँ पे कि भाई आपके पास, फिर इसी तरीके से जो फील्ड होगी अपर राइट और लोअर लेफ्ट की तो आप कहेंगे उसकी फील्ड जो अपर लेफ्ट की जानिब है, तो आपके पास चारों फील्ड यहाँ पे दिखा दी गई। अब इन चारों के अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनाएंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वही ऐड होंगे, तो इसका मतलब वाई कंपोनेंट्स मिलके ही आपके पास सम दे रहे होंगे, तो सारों के वाई कंपोनेंट्स चूंकि आइडेंटिकल चीजें हैं तो मैंने 4 टाइम कर दिया। अब म्यू नॉट आई आपके पास i सब के अंदर सेम था, फिर आपके पास 2 पाई डायगनल लेंथ चूंकि सेंटर के सब के साथ बनेगी वो a बाय स्क्वायर रूट सब की बनेगी, और एंगल आपके पास cos 45 आएगा वर्टिकल कंपोनेंट का। अगर हम यहाँ से एंगल बना के देखते हैं तो ये अब आपके पास इसमें cos 45 की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 होती है, सारे को लेकर एडजस्ट किया जा सकता है। तो इस सारी वैल्यूज पता है, म्यू नॉट पता है, आई पता है, आपके पास 20 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है, तो ये 8 × 10⁻⁵ टेस्ला आ जाएगा। राइट हैंड रूल लगाएंगे तो हम कहेंगे कि जी फील्ड आपकी अपवर्ड डायरेक्टेड है जो कि पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में जाएगी, तो हम इसमें जे यूनिट वेक्टर साथ में लगा देंगे। तो ये हमारे पास सलूशन है जनाब। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।